आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपडेट्स तो हम देंगे ही, आज युद्ध का तीसरा दिन है दोस्तों। बड़ी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। शायद क्या सच में इंसानियत के लिए व्लादिमीर पुतिन को ये युद्ध रोक देना चाहिए? युद्ध हमेशा ही बुरा करता है, युद्ध की वजह से हम सब के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, महंगाई बढ़ेगी, तेल के दाम बढ़ेंगे, भारत भी इम्पैक्टेड है। व्लादिमीर पुतिन को इस पे अब बातचीत करनी चाहिए और अब युद्ध को रोक देना चाहिए कुछ भी करके, क्योंकि दोस्तों जो तस्वीर और जो वीडियो सामने आ रहे हैं दिल दहला देने वाले हैं। फिलहाल बयान पे बयान आ रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। तो रशिया के जो स्पेस चीफ है दिमित्री रोजगोन, रोजगोन कुछ ऐसे बड़ा अजीब सा भाई सरनेम, बड़े अजीब से होते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे अमेरिका को स्लैम किया है। तो क्या खबर है? देखिए यहां पे आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जैसे आपने देखा कि आप किसी शहर में जाते हैं तो बस स्टेशन होता है, ट्रेन स्टेशन होता है, जंक्शन होता है, एयरपोर्ट होता है, पोर्ट होता है सी के लिए, मतलब सी पोर्ट्स होते हैं जहां पे शिप्स जाते हैं, वैसे ही स्पेस में स्पेस स्टेशन बने हुए हैं, है ना? तो इन स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है, एस्ट्रोनॉट्स यहां पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, इस माइक्रो ग्रेविटी एनवायरमेंट में जहां पे पूरी तरीके से तो वेटलेसनेस नहीं होती है, तो यहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि जीरो ग्रेविटी में या स्पेस पे क्या कैलकुलेशंस आती हैं, क्या फर्क है, क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है, ये सब स्पेस स्टेशन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे भेजा जाता है रोटेशनल बेसिस पे। ओके, तो बेसिकली ISS बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले साल आपने चाइना की खबर सुनी होगी। देखिए ISS जो है वो 2024 में एक्सपायर होने वाला है, भाई 20 साल पुराना हो गया है। चाइना अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहा है, 2030 तक वो पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये सब होता है। अब अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो रशिया के रोसकॉस्मोस, अमेरिका की नासा, कनाडा की CSA, यूरोपियन यूनियन की ESA और जापान की जैक्सा, इसमें चाइना नहीं आता, भारत नहीं आता है, तो इनका इनिशिएटिव है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेस सेक्टर में, एयरोस्पेस सेक्टर में ये बहुत जबरदस्त काम करते हैं। अब आपको पता ही है कि अमेरिका पे लग गए हैं, अमेरिका ने लगा दिया रशिया पे सैंक्शंस युद्ध के चलते, ठीक किया, लेकिन बस वही चीज है ना, सिर्फ सैंक्शंस ही लगाया और तो कुछ किया नहीं। तो यहां पे रशिया भड़क गया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप एक नेक्सस समझिए, दुनिया की सरकार स्पेशली जो अथॉरिटेरियन रिजीम है जैसे बेलारूस में, रशिया में जो सरकार चला रहा है वो व्लादिमीर पुतिन नहीं है ना, वो है ओलिगार्क्स, 7-8 बड़े बिजनेसमैन जो सरकार को बहुत पैसा देते हैं और जिनके पास ताकत है, असली ताकत है। भारत में भी कई बार ये बोला जाता है ना कि भारत में एक्चुअली में सरकार चाहे किसी की भी है वो चला तो बिजनेस में नहीं रहे, क्योंकि भाई ये भर भर के पैसा जो है वो देते हैं पार्टी को, फंड करते हैं ये। अमेरिका में भी यही है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन बहुत अमीर है, इनको बहुत फंडिंग आती है। आपने देख सोचा है कभी कि अमेरिका ने अभी तक वहां पे भाई हर कोई बंदूक खरीद सकता है, बच्चे बच्चे के पास, क्योंकि वो जो राइफल एसोसिएशन है ना वो अमेरिकन पार्टीज को बैक करता है, इसीलिए किसी की औकात नहीं है कि यहां पे ये अमेंडमेंट कर दे, अपने संविधान से ये चीज हटा दे। तो सेम चीज रशिया के साथ है। अब यहां पे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, भाई रशिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन यूके में रहते हैं, ठीक है, यूरोप में रहते हैं और बाहर से रशिया को व्लादिमीर पुतिन को पैसा भेजते रहते हैं, तो उन पे बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई यहां पे बैंक 5 रशियन बैंक्स पे सैंक्शंस लगा दिए। हालांकि इस पे देखिए रशिया को एज सच सैंक्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2014 में जब सैंक्शंस लगाए तो उन्होंने वैसे भी डॉलर्स में बहुत कम व्यापार कर दिया, जहां 80% डिपेंडेंसी थी डॉलर्स पे वहां पे 50% रह गई। तो रशिया ने 2014 से ही अपना खेल खेलना शुरू कर दिया, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि सैंक्शंस के बावजूद हम इफेक्टेड नहीं होंगे और यही हुआ, ठीक है। तो सैंक्शंस पे लेकिन फिर भी ये जो बिजनेसमैन है इनको तो असर पड़ेगा। तो सैंक्शंस का एक ये भी मोटिव है कि ये बिजनेसमैन जो है, बड़े बड़े ओलिगार्क्स जो हैं, ये व्लादिमीर पुतिन पे प्रेशर डालेंगे कि युद्ध रोको, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन अब थोड़ा सा उनका जो रुख है वो नर्म पड़ गया है, वो बातचीत के लिए अब ऐसा लग रहा है कि शायद तैयार हो जाएंगे।
तो यहां पे ये जो सैंक्शंस लगाए हैं ये एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी लगाए हैं, जो रशिया एयरोस्पेस पे अपनी टेक्नोलॉजी भेजता है। भाई कोल्ड वॉर में स्पेस रेस जो शुरू हुई उसमें सोवियत और अमेरिका ही तो थे। सोवियत ने तो सबसे पहला एयरक्राफ्ट भेज दिया था, मतलब यहां पे रॉकेट भेज दिया था स्पेस पे। उसके बाद अमेरिका का जो मून प्रोग्राम था, अपोलो प्रोग्राम था, वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बहुत ही जो रशिया के रॉसकॉस्मोस है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो सैंक्शंस लगाने का मतलब ये स्पेस टेक्नोलॉजी भी बंद, रशिया के एस्ट्रोनॉट्स को वापस भेजा जाएगा। तो भाई कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि वहां पर जो ऑर्बिटिंग है ना वो कंट्रोल रशियंस कर रहे हैं, समझ रहे हो, पीछे की टेक्नोलॉजी रशियंस संभाल रहे हैं। ओके, और ये जो स्पेस स्टेशन है वो फुटबॉल जितना बड़ा है, एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये ऑर्बिट कर रहा है धरती को। तो इट इज इंपॉर्टेंट। बट अगर अब यही इन्होंने बोला है कि अगर आप हमको हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं तो फिर हम तो इस पर कुछ मदद कर नहीं पाएंगे। तो ये जो डी ऑर्बिटिंग है ना, ठीक है, ये जो डी ऑर्बिटिंग होगी एंड इट विल फॉल इनटू यूरोप, ये पूरा का पूरा स्टेशन गिरेगा यूरोप पे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तब कौन बचाएगा? मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूं, लेकिन मतलब दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारी शिवरात्रि सेल शुरू हो गई है। आपको शिव 25 ये कूपन कोड है, आपको यूज करना है, इन नंबर्स पे आपको कॉल करना है, ये नंबर जो आपको दिए हुए हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप करिए। देखिए अभी तक हमने प्राइजेस नहीं बढ़ाए, लेकिन अब हम प्राइजेस बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी तक हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं। तो इसमें कंबाइंड एनसीईआरटी में आपको ये सारे शानदार कोर्सेज मिलेंगे, हिस्ट्री में हिंदी भी की पीडीएफ अपडेट हो चुकी है, यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर्स बहुत जल्द अपडेट होंगे, ठीक है, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी सब कंप्लीट हो गई है, ठीक है, एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो गई है, आप सेपरेटली भी ले सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी का कोर्स तो भाई जरूर लीजिए, क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं मार्च से। और याद रखिएगा, चाहे एक साल का कोर्स ले, चाहे दो साल का कोर्स ले, चाहे तीन साल का कोर्स ले, सब में आपको लाइव क्लास मिलेगी। तो अभी इसी वक्त अवेल करिए, एक्स्ट्रा 25% ऑफ आपको मिल रहा है। तो यही चीज है। अब यहां पे बोला है कि भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अमेरिका यूरोप या भारत और चाइना पे भी क्रैश कर सकता है, आप समझ रहे हो, बहुत तबाही मचाएगा। फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा स्पेस स्टेशन जब गिरेगा ना तब वाट लग जाएगी। तो इसीलिए तुम सोच रहे हो तुमको सैंक्शंस लगाने हैं कि क्या करना है। मैं अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं और एकदम से सैंक्शंस लग गए, कंपनी ने मुझसे बोला कि आज के बाद तुम काम नहीं करोगे, तो जो मैं काम कर रहा हूं वो ठप हो जाएगा ना। यही हो रहा है रशिया के साथ। रशिया के सैंक्शंस लगा दिए हैं एक्सपोर्ट सेक्टर, एयरस्पेस सेक्टर में, एयरस्पेस टेक्नोलॉजी में रशिया का बहुत बड़ा योगदान है, तो रशिया उसमें मदद करेगा नहीं, तो ये पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन क्रैश होने की संभावना है, ऐसा बोल रहे हैं यहां के जो चीफ हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, रोगोजिन, हाँ, दिमित्री रोगोजिन जो रॉसकॉस्मोस के चीफ हैं, इन्होंने देखिए, दिस इज हाउ यू ऑलरेडी डू इट बाय लिमिटिंग एक्सचेंज बिटवीन आर कॉस्मोनॉट एंड एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर्स। अब आप देखिए, मे बी प्रेसिडेंट बाइडेन इज ऑफ टॉपिक टू एक्सप्लेन टू हिम दैट करेक्शन ऑफ द स्टेशन ऑर्बिट इज अवॉइडेंस डेंजरस रेंडेवूज़ विद स्पेस। साथ ही साथ ये देखिए, यूरोप, इन्होंने देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया है, या तो यूरोप में क्रैश होगा, यूरोप और अमेरिका में, नहीं तो देयर इज ऑल्सो द ऑप्शन ऑफ ड्रॉपिंग 500 टन स्ट्रक्चर। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर चलो यूरोप में नहीं गिरेगा मान लिया हमने, क्योंकि इन्होंने साफ बोल दिया कि ये रशिया के ऊपर फ्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चलो ठीक है यूरोप में नहीं गिरेगा, अमेरिका के नहीं गिरेगा, चाइना और भारत पे भी गिर सकता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चाइना और भारत पे ही गिर सकता है। तो क्या आप इसको थ्रेटन करना चाहते हैं? Because ISS does not fly over Russia, so all the risk is yours. पूरा का पूरा रिस्क तुम्हारा है, ये इनका बयान आया है। अब देखिए, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है, ये तो बात कर रहे हैं। नासा ने भी क्लियर किया कि भाई देखो सैंक्शंस तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम काम करो, ठीक है, और ISS जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कोई सैंक्शंस नहीं है, वहां सैंक्शंस एप्लीकेबल नहीं है, सब मिलके काम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम एस्ट्रोनॉट को या तुमको शटल ऑपरेट करने से रोक देंगे, ना ना, तुम अपना काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये चीज, अब ISS के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं यूरोप, जापान, कैनेडा, अमेरिका, रशिया संभालते हैं, चाइना और भारत नहीं है।
तो एक तरीके की लेबोरेटरी है ये, इट्स अ साइंस लेबोरेटरी जहां पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है 1750 मील प्रति घंटा, मील्स पर आर पे ये ट्रैवल करता है, मतलब हर 90 मिनट पे, हर डेढ़ घंटे पे ये ऑर्बिट करता है धरती को, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये थोड़ी सी ये इस तरीके का कुछ रहता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बहुत बड़ा है ये, ठीक है। कोई भी अगर वो वहां से अगर ये स्पेस क्राफ्ट छोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है, डॉकिंग जिसको बोलते हैं, और उसके बाद फिर ये लोग एंट्री करते हैं मस्त स्पेस स्टेशन में, वहां पर फिर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। भारत की कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, है ना, ये सब आईएसएस का पार्ट रह चुकी है। ये आप हिस्टोरिकल टाइमलाइन देख सकते हैं, रोनल्ड रीगन, इनकी बायोग्राफी, अमेरिका के सारे राष्ट्रपतियों की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, 1981 से लेकर 1989 तक राष्ट्रपति रहे रोनल्ड रीगन, और इन्होंने नासा को डायरेक्ट किया कि भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाओ। उसके बाद फिर पहला आईएसएस सेगमेंट जो है वो 20 नवंबर 1998 को लॉन्च हुआ। बड़ी बात ये थी कि शुरुआत में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च हुआ था वो अमेरिका और सोवियत ने मिलकर बनाया था, साइंस में कोई डिफरेंसेस नहीं थे, और ये 1998 का वही समय था जब सोवियत टूट गया था, ठीक है, मतलब रशिया बन गया था, और अभी तक व्लादिमीर पुतिन नहीं आए, 2000 के बाद से व्लादिमीर पुतिन का उदय हुआ है। अभी तक बोरिस यिल्सन थे, बोरिस यिल्सन की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, कार्टून इंसान थे, आप देखिएगा। उसके बाद फिर पहला अमेरिकन मतलब ये, हाँ ठीक है, 1998 में इसको लॉन्च किया गया। फिर रहने के लिए जो पहला क्रू गया था वो 2 नवंबर 2000 को गया था, नासा के एस्ट्रोनॉट बिल शेफर्ड और कॉस्मोनॉट यूरी गिट्जेंको एंड सर्गी क्रिकलेव, ये भी रशिया के थे, तो वहां पर रहे, बढ़िया टाइम बिताया, एक्सपेरिमेंट किया 2000, सोचिए आज से 20 साल पहले। उसके बाद फिर अमेरिका के लैब मॉड्यूल को भी 7 फरवरी 2001 को ऐड किया गया। अब धीमे धीमे यहाँ पे मॉड्यूल्स ऐड होंगे एक एक के, ठीक है, तो ये देख लीजिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे लेबोरेटरीज भी मॉडिफाई होती रहती हैं। फिर उसके बाद बारी आई यूरोपियन की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उन्होंने 2008 को ज्वाइन किया, जापान की लैब ने 2008 को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद 10वीं एनिवर्सरी हुई यहाँ पे 2000 को, मतलब 2000 को पिछले मतलब 2000 को यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था ना। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव एग्रीमेंट 2011, फिर उसके बाद नासा ने आईएसएस नेशनल लैब जुलाई 2011 को सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद फर्स्ट नेशनल लैब रिसर्च फ्लाइट जो है वो 30 सितंबर 2013 को भेजी गई। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की वजह से इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि युद्ध अपने चरम सीमा पे है, आज तीसरा दिन है, लेकिन कल शाम से थोड़ा सा जो रुख है वो नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल वोटिंग हुई, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने में रेजोल्यूशन पास हुआ, पास तो नहीं हुआ, मतलब वोटिंग हुई, और भारत ने, भारत उससे दूर रहा, तो उस पर लेक्चर ऑलरेडी आ गया है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ, हमारी सेल का पूरा फायदा उठाए। थैंक यू सो मच।